मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सरकार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आज मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंकने का कारण ये है कि जो पीछे बजट पास हुआ था सीतारमण जी द्वारा, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा को कुछ नहीं मिला। हरियाणा में देखो बजट के अंदर कुछ नहीं मिला हरियाणा को, किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को, जीरो बजट हरियाणा के अंदर दिया गया है। ये सारा बजट तो जिन्होंने बीजेपी की सपोर्ट करके, जिन्होंने इनको समर्थन दे के और इनकी सरकार बनाई थी, जैसे बिहार और बड़े राज्यों को इन्होंने सारा कुछ जो बजट था सारा उन्हीं में दे दिया। हरियाणा के किसानों, युवाओं, बेरोजगारों को कुछ नहीं दिया गया, ना शिक्षा के नाम पे दिया गया, ना मतलब किसानों के नाम पे दिया गया, ना कोई मतलब टैक्स के नाम पे कोई छूट की गई, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं की गई। सारा बजट बाहर दे दिया हरियाणा से, बल्कि जबकि हरियाणा के अंदर तीन तीन कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो उन मंत्रियों का क्या काम है, उनकी धोख मारे क्या मंत्रियों की, ये बताओ आप। अगर हरियाणा को कुछ देना ही नहीं था तो अब 3 महीने बाद वो वोट आ रहे हैं, उनमें जनता बता देगी बीजेपी को भी इन्होंने क्या काम किए 9.5 साल के अंदर, और उसका रिजल्ट देख लेना आप। पहले तो लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई थी और विधानसभा के अंदर बीजेपी साफ हो जाएगी हरियाणा से। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं वो दिन प्रतिदिन अनेकों घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को राहत देने की बात की जा रही है, उसको आप क्या देखते हैं? किस चीज पे राहत दे रहे हैं ये मेरे को बताओ, मेरे को एक कोई काम बता दो भी इस चीज पे इन्होंने राहत दी है। पीछे जो HKRN में जो नौकरियां निकाली उनमें से पीछे जो 9 SDU लिए थे आपको याद होगा, तो उसमें HKRN के अंदर 9 SDU लिए, उसमें से ही 6.5 के लगे थे। क्यों? हरियाणा में एजुकेटेड नहीं है कोई, हरियाणा में क्वालिटी नहीं है कोई, हरियाणा के युवा मतलब अनपढ़ थोड़ी ना है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उनको क्यों नहीं दी गई ये बताओ। सारा कुछ मतलब बार बार दी। आपके चोपटा में देख लो, बीजेपी सरकार के अंदर चोपटा में थाने में परमानेंट SHO नहीं है, चोपटा BDO ब्लॉक में BDO नहीं है परमानेंट, तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं है परमानेंट, बताओ। ये मुद्दे ये यहाँ के लोगों के हालात जाके देखो ना, जो तहसील में सुबह 9 बजे से लेके शाम को 10 रात को भी बैठे रहते हैं लोग और उनके काम नहीं होते कि BDO वो तहसीलदार है ही नहीं। SHO को जाके देख लो, थाने के अंदर जाके देख लो, परमानेंट SHO ही नहीं है, टेम्परेरी बेस पे लगाए, अगला काम करे तो करे नहीं ना करे भी बताओ। BDPO का BDO कहाँ है यहाँ पे, तहसील के चोपटा ब्लॉक के अंदर कहाँ है BDO? आप कितने दिन से देख रहे हो BDO है ही नहीं चोपटा ब्लॉक के अंदर, लोग परेशान हो रहे हैं। काम तो वैसे ही नहीं करना इस सरकार को, और ये तो मतलब बिल्कुल ही नहीं कर रही सरकार। क्या मान के चलते 3 महीने बाद चुनाव? 3 महीने बाद हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आने जा रही है और उस सरकार के अंदर सभी के काम होंगे, शिक्षित युवाओं के लिए नौकरियां भी लगेगी, हुड्डा साहब ने बोला है सिलेंडर भी हम सस्ता करेंगे गृहणियों के लिए, और जो भी सुविधाएं हैं किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना रखा है, जो लॉन्च होगा भी मैनिफेस्टो आ जाता है हमारा, उसमें एक एक चीज का हम विवरण देंगे और संक्षिप्त विवरण देंगे भी किस वर्ग को किस चीज को क्या मिलने वाला है, वो संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा हमारी तरफ से।